नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फेयरनेस क्रीम के बारे में जो कि मेंस के लिए बनी है, आदमियों के लिए बनी है, पुरुषों के लिए बनी है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पुरुषों के लिए कोई ऐसी क्रीम बनी हो जो फेयरनेस दे सके, जो आपकी पिगमेंटेशन, मेलेनिन फॉर्मेशन को कम कर सके। तो होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन, ऐसी क्रीम मौजूद है। उस क्रीम के बारे में, उस एक मेडिसिन के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने महिलाओं के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, कई सारी फेयरनेस क्रीम्स आती है, कई अलग अलग तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स महिलाओं के लिए मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जब पुरुषों की बात आती है तो बेचारे पुरुषों के लिए कुछ नहीं बचता, या बहुत ही नाम मात्र की चीजें उपलब्ध होती है। लेकिन होम्योपैथिक एक दवा कंपनी है जो कि इस प्रकार की क्रीम बनाती है, इस प्रकार की एक मेडिसिन बनाती है जो कि पुरुष आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरुष उसको डे टू डे लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं और लगाकर बाहर भी जा सकते हैं। इस प्रकार की एक फेयरनेस क्रीम है जो मार्केट में मौजूद है। इस दवा का नाम है सनी फेयरनेस क्रीम फॉर मैन। यह मेडिसिन इसी नाम से आती है। सनी एक बैक्सन कंपनी का ही ब्रांच है, बैक्सन कंपनी का ही एक सेगमेंट है जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इस नाम से आप थोड़ा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको इसीलिए मैं यह चीज क्लेरिफाई कर दूं कि यह बैक्सन कंपनी का ही प्रोडक्ट है और यह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि आपको फेयरनेस देता है, इंस्टेंट फेयरनेस देता है, और इस दवा का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इस दवा के कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है। कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो कि आपको फेयरनेस के लिए हेल्प करती है। आपने रूटीन में देखा होगा कि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई क्रीम पाउडर या किसी प्रकार का कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लगा के निकलते हैं। लेकिन महिलाओं वाले प्रोडक्ट लगाने से अच्छा है कि आपका अपना एक प्रोडक्ट हो, आपका अपना एक क्रीम हो जो कि आप स्वयं लगा सकें, आपके लिए बना हो, एक मैन स्किन के लिए बना हो। तो उस प्रोडक्ट के लिए ही हम आज इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर होम्योपैथी की काफी सारी मेडिसिन जैसे कि कैमोमिला डली हुई है। कैमोमिला एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके मेलानिन पिगमेंटेशन को कम करती है, स्किन की जो टोन है उसको लाइटर करती है, उसको कम करती है, जिससे कि आपको फेयरनेस देखने को मिले, आपकी स्किन आपको और अच्छी ब्राइटर देखने को मिले। इसके अलावा इसमें विच हेजल डला हुआ है जो कि हेमामेलिस को ही कहा जाता है। यह विच हेजल जो है यह आपके स्किन के जो पोर्स हैं, जो ओपन पोर्स हैं, उनको रिमूव करने में, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में, उनको अपनी जगह पर लाने में, इलास्टिसिटी को वापस से नॉर्मलाइज करने में मदद करती है। तो यह दवा भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा इसमें एलोवेरा डला हुआ है। एलोवेरा आप जानते ही हैं, आयुर्वेद में भी इसका बहुत सारा उपयोग होता है। इसके अलावा आप दैनिक जीवन में आप अपने घरेलू उपचार के तौर पर भी एलोवेरा का उपयोग करते होंगे। एलोवेरा इसके अंदर डला हुआ है। एलोवेरा एक ऐसी मेडिसिन है, एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि आपकी स्किन की जो नमी है उसको बनाए रखता है, उसको टोन अप करता है। तो एलोवेरा आपकी स्किन लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो वो भी इसमें डला हुआ है। इसके अलावा विटामिन B3 और विटामिन ई दोनों डले हुए हैं। यह विटामिन आपकी स्किन को टोन अप करते हैं, आपकी स्किन की जो टेक्सचर है उसको बढ़िया करते हैं, स्किन के मेलानिन पिगमेंटेशन को कम करते हैं, साथ ही साथ स्किन की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करते हैं। तो ये विटामिन आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग विटामिन को डायरेक्टली चेहरे पर भी लगाते हैं या किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ में मिक्स करके लगाते हैं, तो वो चीज़ आपको करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये विटामिन आपकी इस क्रीम में ही डले हुए हैं। तो इस क्रीम का इस्तेमाल कैसे करना है? इस क्रीम का इस्तेमाल आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इस क्रीम का इस्तेमाल जब भी आप आउटडोर एक्टिविटीज के लिए जाएं, बाहर जब भी जाएं, तो आप इसको लगा कर जा सकते हैं। यह क्रीम टेक्सचर में बहुत ही अच्छा है, तो आपको इस प्रकार का कोई अपीयरेंस नहीं देगा कि आपके चेहरे पर कुछ अलग से पुता हुआ है या अलग से कोई मेकअप टाइप आपको कोई एक लेयर सी बन जाए, वैसा इसमें बिल्कुल नहीं है। बहुत ही लाइट क्रीम है और इस क्रीम का उपयोग आपको
फेस वॉश करने के बाद में करना है, जब आप बाहर जा रहे हो कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले फेस वॉश यूज करिए। फेस वॉश से अच्छे से आप चेहरे को वॉश कर लीजिए, उसको ड्राई कर लीजिए, टेप करके ड्राई करेंगे, टॉवल से आप नॉर्मल उसको टेप करते हुए सुखा लेंगे। एकदम सूख जाने के बाद में आप इस क्रीम को हल्के हाथ से मसाज करते हुए चेहरे पूरे पर लगा सकते हैं, साथ ही साथ गर्दन पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस क्रीम का उपयोग आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर फेयरनेस क्रीम के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।